आपने मैथ्स ही क्यों चुना? मैथमेटिक्स हमारे देश में एक बड़ा हेडेक है सभी के सर पे। अभी तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो गलत है, और जो मैं नई डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो कि टेक्निकली मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों से मैंने उद्धृत की है, तो वो रिसर्च पेपर मैंने लिखा था और वो इंग्लैंड के एक जर्नल से वो क्लेम अभी अप्रूव हो चुका है। क्या ये त्रुटि मॉडर्न मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट को नहीं दिखी? प्रिंसटन के फॉर्मर प्रोफेसर हैं, उनका नाम है फाइन हेनरी बर्चर्ड। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि मॉडर्न मैथ्स में हम मल्टीप्लिकेशन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी संक्रियाएं कर रहे हैं, ये हमने आचार्य ब्रह्मगुप्त से ही इंस्पायर होके ली है। ली उन्होंने वहीं से है, लेकिन फॉल्टलेसली नहीं ली, कुछ एरर्स साथ में ले लिए। जीरो का नाम आता है तो आर्यभट्ट का नाम आता है। अब आपने वहां क्या रिसर्च किया है, मैं ये जानना चाहूंगी। क्योंकि जीरो मतलब तो कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है, बट नहीं, रिसर्च पेपर में इस चीज को भी डिबंक किया गया है कि जीरो इज नॉट आइडेंटिकल टू नथिंग। जीरो का मतलब नथिंग नहीं है। कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर करते हैं? ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का एक पुस्तक है जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा कृत है। इसके अलावा जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य आर्यभट्ट, श्रीपति आदि जितने भी विद्वान थे जो गणित के स्कॉलर कहे जाते हैं, उनके बुक्स से मैंने रेफरेंस लिया। ऋग्वेदों में और किस किस तरीके का विज्ञान है? इस संसार की ऐसी कोई भी विद्या नहीं है, ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो वेदों में ना हो, और ऑल टेक्निकली कहूं तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत, आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूं। मोदी जी कह रहे हैं ना, देश बदल रहा है। जी हाँ, देश बदल रहा है। जहाँ एक तरफ हमारे देश में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है चीज़ों को लेकर, विज्ञान को लेकर, धर्म को लेकर बहुत सारी बातें हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ यंगस्टर्स जो है, 20-22 साल के बच्चे या कह लीजिए 25 साल के बच्चे, ऐसे भी हैं जो इन कुरीतियों को दूर करने के लिए, इन मिसकंसेप्शन को क्लियर करने के लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे गुरुकुल पद्धति थी, जो हमारा विज्ञान था, जो हमसे छूट गया इन्वेडर्स के आने के बाद, या कह लीजिए जिस भी रीज़न से, उसको वापस लेकर आ रहे हैं। आज बहुत सारी खास चीज़ों पे हम इसी तरीके की चीज़ों पर, साइंस को कैसे हम धर्म से जोड़ते हैं, धर्म में कैसे साइंस की बात की गई है, वेदों में कैसे साइंस की बात की गई है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है, सारी बातें क्लियर करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में इन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए मौजूद हैं मोहित जी और साथ ही साथ पुनीत जी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि दोनों की उम्र कम है, दोनों यंग हैं और दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल वर्क का भी काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोहित, आपसे शुरू करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपके बारे में अगर मैंने कुछ तारीफ की तो ऐसा लगेगा कि वो शायद कुछ कम ना पड़ जाए, तो आप अपनी तारीफ खुद कीजिए। जी, तारीफ तो क्या, पर जो भी यथासत्य है, तो मेरा नाम मोहित गौड़ है और मैं राजस्थान के नागौर ज़िले से हूँ, गच्छीपुरा गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी एक आईटी कंपनी है एमजी टेक्निकल्स, जहां हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और आईटी प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एक यूट्यूब चैनल पर भी काम कर रहा हूं जिसका नाम विज्ञान दर्शन है, और वहां हम साइंस रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं, जहां मॉडर्न साइंस और एंशियंट साइंस, फिजिकल टू स्पिरिचुअल, सारी चीज़ें कवर करते हैं। और इसी क्रम में मैंने अभी एक रिसर्च पेपर भी लिखा था जो कि जो पुरानी मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है उसी को चेंज करने का क्लेम करता है। मतलब अभी तक हमने जो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है वो गलत है, और जो मैं नई डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो कि टेक्निकली मैं नहीं दे रहा हूँ लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्रों से मैंने उद्धृत की है, तो वो रिसर्च पेपर मैंने लिखा था और वो इंग्लैंड के एक जर्नल से वो क्लेम अभी अप्रूव हो चुका है। मतलब जो मेरी बात थी वो उस जर्नल के अकॉर्डिंग अब सही है, मतलब पुरानी डेफिनेशन सही थी और ये न्यू डेफिनेशन गलत है। तो आपको समझ में आ गया, आज ये जो हमारा पूरा धर्म संवाद का एपिसोड होने वाला है कितना मज़ेदार होने वाला है। दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं, पुनीत जी आप भी अपने बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। नमस्ते सभी को, मेरा नाम पुनीत आर्य है और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, और वर्तमान में मैं भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति का एक प्रकल्प जो कि आचार्य योगेश भारद्वाज जी आर्ष विद्योगलन के नाम से चलाते हैं, उनके अंतर्गत मैं भी इस प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में शोधरत छात्र हूँ। तो रिसर्च करते हैं पुनीत, और मोहित ने ऑलरेडी कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, आपने मैथ्स ही क्यों चुना और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं, ये जानना चाहूंगी मैं। जी, तो वैसे तो जो भी विषय मेरे समक्ष आता है मैं उस पर पूरी रिसर्च करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसमें से कुछ नया निकले, लेकिन मैथ्स ही क्यों चुना, तो इसके पीछे दो बातें हैं। एक तो ये कि मैथमेटिक्स हमारे देश में एक बड़ा हेडेक है सभी के सर पे, और उसमें सबसे ज़्यादा रटाफिकेशन होता है, चाहे वो सूत्रों का हो,
चाहे वो डेरिवेशंस तक लोग रट के चले जाते हैं। तो एक तो इसलिए ये मैथ्स मेरे दिमाग में भी एक चीज़ थी, और दूसरी ये जो रिसर्च है इसके पीछे एक स्टोरी है बचपन की, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था और बाद में मैंने इसको सर्च किया। तो वो बाय डिफॉल्ट स्टोरी भी अगर जल्दी में सुना दे तो लोगों को पता चले। जी, तो मैं बचपन की बात है, मैं लगभग फिफ्थ या सिक्स क्लास में होगा अराउंड, मयूर पब्लिक स्कूल मेरे गांव गच्चीपुरा की ही स्कूल है, वहां मैंने एक क्वेश्चन पूछा था टीचर से कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है। हम सब ने सुना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, पर माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि याद करवा देते हैं। तो मैंने टीचर से पूछा कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो टीचर ने अपनी कोशिश की जिज्ञासा शांत करने की, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। तो लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि ये तो बस है, याद रखना है तो रखना है। वहां से वो चीज़ मेरे दिमाग में ट्रिगर की और मैंने उस पर रिसर्च करना चालू कर दिया, और उसके बाद में उसका आंसर मुझे आके वेदों में मिला, आचार्य ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम में मिला, ज्योतिष में मिला, और भी जो भारतीय ग्रंथ हैं ऋग्वेद आदि पार्श्वभूमिका आदि उनमें मिला। तो वहाँ पे जाके मुझे आंसर मिला और उस पर मैंने प्रॉपर एक रिसर्च आर्टिकल लिखा, और ये मेरा क्लेम सही है या नहीं ये मुझे भी कंफर्म हो इसके लिए मैंने इसे इंग्लैंड का एक जर्नल है, जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, वो पीयर रिव्यू की एक प्रोसेस होती है फील्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसे चेक किया जाता है, उसमें मैंने सेंड किया। 6 मंथ का टाइम लगा और वो अप्रूव हो गई, यानी जो मैंने चीज़ डिस्कवर की थी वो सही थी। तो सबसे पहले ये एक चीज़ बता दीजिए, अगर किसी को जानना है, जैसे आपने तो ये बोल दिया कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, ये जो आपने रिसर्च किया, अगर किसी को जानना है वो कहाँ से जान सकता है, आपने जो रिसर्च किया कहाँ मिलेगा? वो रिसर्च आपको मिलेगा जर्नल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के वॉल्यूम 8 के इशू 1 में वो प्रकाशित हुआ था जनवरी 2024 में ही। तो अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और अगर टेक्निकल लैंग्वेजेस अगर नहीं समझ में आती है तो इस पे मैंने हिंदी भाषा में ही, मेरा जो यूट्यूब चैनल है विज्ञान दर्शन, विज्ञान दर्शन पे मैंने इस पे एक 11 मिनट का वीडियो डाल रखा है, तो वहां से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी अभी भी उस पे चर्चा करेंगे ही तो जरूर करेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे थे, और क्योंकि क्या होता है ना, आपने ऐसी चीज बोल दी माइनस माइनस प्लस ही क्यों होता है, तो वो अब लोगों को जिनको ये जानना होगा वो वहां से जान सकते हैं। और एक रेफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने शो में जब भी कोई बात करते हैं तो उसके पीछे रेफरेंस जरूर होना चाहिए। बाकी टीचर भी, आज क्या आपने उस टीचर को जाके बताया कि आपको उसका आंसर मिल गया? उन टीचर का मुझे अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं मिला। अगर ये वीडियो देख रही हो तो ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए मोहित से और बात कीजिए, क्योंकि आपने जो सवाल का जवाब, जो आप इनकी जिज्ञासा आप शांत नहीं कर पाई थी, इनकी जिज्ञासा हो गई है शांत। अभी इसमें योगदान है, क्योंकि वो जिज्ञासा शांत नहीं कर पाए तभी मैंने रिसर्च की। अगर वो किसी भी तरीके से मुझे कोई छोटा मोटा आंसर देके अगर संतुष्ट कर देते तो शायद मैं आगे तक उसको फाइंड नहीं करता। जीरो के बारे में भी, जीरो को लेकर भी आपने कुछ रिसर्च किया है, क्या है वो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आर्यभट्ट, जब जीरो का नाम आता है तो आर्यभट्ट का नाम आता है। अब आपने वहां क्या रिसर्च किया है मैं ये जानना चाहूंगी, ये बताइए एक बार व्यूअर्स को। मैं रिसर्च के बारे में पूरी डिटेल समराइज में बताते हुए शुरू करता हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि जो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है, अभी जो करंटली प्रेवलेंट डेफिनेशन है, तो उसमें बताया जाता है कि 2 × 2 मतलब 2 को 2 बार जोड़ना। सिंपल हम ये लेते हैं कि 2 को 2 बार जोड़ना मतलब 2 × 2 और आंसर 4 आ जाता है। ऐसे ही 2 को 3 से गुणा करना मतलब 2 को 3 बार जोड़ना, 2 को 10 से गुणा करना मतलब 2 को 10 बार जोड़ना। लेकिन यही जब हम नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, −2 × −2, तो आप −2 को 2 बार तो जोड़ सकते हैं, पर −2 को −2 बार कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में कमी दिखाई देती है। वहीं हमने जो डेफिनेशन दी है हमारे पुराने आचार्य ग्रंथों को और वैदिक साहित्य को पढ़ करके, वो डेफिनेशन मोटा मोटा अगर बताऊँ तो वो डेफिनेशन ये कहती है, टू ऐड नंबर इंटू 0 फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। यानी 2 × 2 का मतलब इस बार 2 को 2 बार जोड़ना नहीं, बल्कि 2 को 2 बार 0 में जोड़ना है। तो यही जब डेफिनेशन हम माइनस मल्टीप्लिकेशन में, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, तो −2 × −2 का मतलब होगा −2 को 2 बार 0 में से घटाना। और जैसे ही हम ये करते हैं तो आंसर +4 आ जाता है। तो इसके पीछे आगे भी बहुत सारी स्टोरी है कि ये कैसे आता है, लेकिन यहाँ पर 0 का ये रोल है। जी, अब यहाँ पे 0 में क्या डिफरेंट आया है तो ये भी यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ो या 2 को 0 में 2 बार जोड़ो, एक ही बात होनी चाहिए, क्योंकि 0 मतलब तो कुछ नहीं होता है, नथिंग होता है। बट नहीं, रिसर्च पेपर में इस चीज़ को भी डिबंक किया गया है कि 0 इज़ नॉट आइडेंटिकल टू नथिंग, 0 का मतलब नथिंग नहीं है। इवन भारतीय जो मैथमेटिक्स है उसमें तो नहीं है, क्योंकि शून्य का अर्थ होता है अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड, छुपा हुआ, हिडन। और इसके लिए अगर कुछ रेफरेंसेस देने हो तो मैंने रिसर्च पेपर में दिए हैं, अष्टाध्यायी जो पाणिनि है उसमें पहले अध्याय के पहले भाग के 60वें सूत्र में एक श्लोक आता है, सूत्र आता है, अदर्शनम लोप है, और ये भी लगभग शून्य की ही प्रॉपर्टी से मिलता है। अदर्शनम लोप है यानी टू बी इनविजिबल, लोप होना, गायब होना। तो लोप होने का मतलब नष्ट होना नहीं है, नथिंग होना नहीं है, अब भी उसमें कुछ है।
और अगर हम ये डिस्कवर करना चाहते हैं कि उसमें अंदर क्या है, तो उसके लिए फिर मैंने रिसर्च पेपर में कोट किया है ब्रह्मगुप्त को, जो आचार्य थे 5वीं सदी के, मैं भी राजस्थान से हूँ, वो भी राजस्थान से ही थे, और उनका ग्रंथ है ब्रह्मस्फुट सिद्धांतम। तो उसमें वो जीरो की व्याख्या करते हुए लिखते हैं समैक्यम खम, यानी जब धन और ऋण एक जैसे हो जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक जैसे हो जाए, तो समैक्यम खम, जब एक जैसे हो जाए तो जीरो का निर्माण होता है, शून्य का निर्माण होता है। यानी ये जो शून्य है, जो जीरो है, ये खाली नहीं है, इसमें प्लस और माइनस दोनों भरे हुए हैं। तो जो पुरानी डेफिनेशन है जीरो की, वो वॉइड है, मतलब नथिंग है, और हमने जो नई डेफिनेशन दी है, या नई नहीं कहूँगा, जो पुरानी डेफिनेशन, जो भारत की पुरानी डेफिनेशन थी, वो जो निकाल के दी है, वो डेफिनेशन शून्य को भरा हुआ मानती है प्लस और माइनस से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव से। और जब इस डेफिनेशन को देखते हुए हम जो जीरो प्लस माइनस वाली संक्रिया करते हैं, तो आंसर सही आ जाता है। पुनीत, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा इसमें एक क्वेश्चन था, जैसे आपने, मैंने आपका रिसर्च पेपर पढ़ा भी था, उसमें आपने वहाँ पे मेंशन भी किया है कि एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये एरर इस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या ये त्रुटि मॉडर्न मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट को नहीं दिखी? और अगर वो जब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इस विषय में काम क्यों नहीं किया कभी? ठीक, इस विषय में बताता हूँ, जो भी गणित से संबंधित विद्यार्थी प्रोफेसर देख रहे होंगे वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। जो प्रिंसटन वाला आपने रेफरेंस बताया, वो है प्रिंसटन के एक फॉर्मर प्रोफेसर हैं, उनका नाम है फाइन हेनरी बर्चर्ड। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि मॉडर्न मैथ्स में हम मल्टीप्लिकेशन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, जो भी संक्रियाएं कर रहे हैं, ये हमने आचार्य ब्रह्मगुप्त से ही इंस्पायर होके ली उन्होंने वहीं से हैं, लेकिन फॉल्टलेसली नहीं ली, कुछ एरर्स साथ में ले लिए। अब ये बात तो वो एडमिट करेंगे नहीं कि हमने एरर्स के साथ में ली, वो इस चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि हाँ, एडमिट करते हैं कि मैथमेटिक्स के बेसिक्स हमने आचार्य ब्रह्मगुप्त से ही लिए हैं। बट मेरा ये क्लेम है कि लिए तो हैं, कॉपी तो किए हैं, पर अच्छे से नहीं किए, नकल करने में भी कुछ कमी छोड़ दी, कुछ कमी छूट गई। तो वो जो कमी है वो यही है कि 2×2 का मतलब 2 को 2 बार जोड़ना ले लिया, लेकिन 2 को 2 बार जीरो में जोड़ना है, ये वाली बात छूट गई। तो जीरो वाली चीज़ छूट गई, इसलिए मॉडर्न मैथ्स को अभी तक पता नहीं चला। एक तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरी ये कि उन्होंने एडमिट भी किए कुछ साइंटिस्ट ने, तो जैसे एक जीडे मैथ्स, एक वेबसाइट है मैथ लर्निंग, उसके जो संचालक हैं, उनका नाम है डॉक्टर जेम्स टॉन्टन। तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता हमारी इस डेफिनेशन से, लेकिन बाकी डेफिनेशंस जो बाकी पॉजिटिव जो नंबर हैं, जैसे 2×2, तो ये तो 2 को 2 बार जोड़ो, चाहे 0 में 2 बार जोड़ो, सेम ही आंसर आता है, तो ये तो चल ही रहा है। तो ऐसे करके काम चला करके इस डेफिनेशन को चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो जीरो वाली बात है, ये उनको अब तक क्यों नहीं पता चली? तो इसका आंसर अगेन वही है कि अगर वो जीरो तक पहुंच भी जाते भूले भटके, तो भी उनके अकॉर्डिंग तो जीरो है ही नथिंग, वॉइड, तो जीरो से तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए फिर ब्रह्मगुप्त को भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक आने के लिए फिर ग्रंथों की ओर आना पड़ेगा, और ग्रंथों से दूरी होने के कारण वो यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंच पाए। आपका कहने का मतलब पूरा तात्पर्य यही है कि इसका जो मूल आधार है कॉन्सेप्ट का, वो जीरो है। बिना जीरो के कॉन्सेप्ट को समझे, बिना जीरो के नहीं हो सकता। और जब हम अभी इसमें डिटेल में अगर बात करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि शून्य और अनंत लगभग एक ही जैसा है। जब शून्य में प्लस और माइनस दोनों आ गए, तो उसमें लगभग सभी संख्याएं आ गई। आप सेटिस्फाइड हैं इनके आंसर से? क्योंकि सवाल आपका था, और पुनीत से सवाल इसलिए हम पूछ रहे, या पुनीत जो है इसलिए ये काउंटर क्वेश्चन कर रहे, क्योंकि वो खुद भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो भी गुरुकुल से बहुत ज़्यादा वेदों से अटैच्ड हैं, तो इसीलिए ये सवाल वो काउंटर क्वेश्चन इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि एक मैथमेटिशियन जो है वो दूसरे की जिज्ञासा को शांत कर पा रहा है या नहीं, ये हम ज़रूर आपके सामने क्लियर कर रहे हैं। तो आप खुश हैं इनके आंसर से, आगे बढ़ते हैं। आपने बोला कि मॉडर्न मैथ्स में कुछ जो है कमी छूट गई, तो मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या क्या कमियां थी या हैं, अभी मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। अभी ये चीज़ जो है, जो मैंने एक जो कमी पॉइंट आउट की है मॉडर्न मैथ्स की भूल को, कि कॉपी किया पर कुछ चीज़ें छोड़ दी, ये वाली चीज़ देखा जाए तो मैंने करेक्ट कर दी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो चुकी है। अभी एक जर्नल से एक्सेप्ट हुई है, और उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की भी टेबल पे गई है, वहाँ पे चेक हुई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हम इसे सबमिट करने वाले हैं, अगर यहाँ पर भी होती है तो, पर अभी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर वो इसी भूल को एक्सेप्ट कर लें, तो फिर आगे की बात करेंगे। आगे तो हमारे मस्तिष्क में, क्या हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ है भरा पड़ा है, तो आगे उस पर जाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपके दिमाग में है कोई ऐसा कुछ कमी दिखती है? मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था, जैसे आपने रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस दिए हैं कुछ भारतीय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स के ग्रंथों के, तो उसमें जैसे वो जो संस्कृत के श्लोक आपने दिए हैं, तो उनकी क्या प्रमाणिकता है कि वो वास्तव में ट्रांसलेशन सही है, कि वो जो व्याख्या कर रहे हैं उस लेवल पे जो आपने वहाँ पे डिफाइन की वो चीज़ें?
कि जैसे मैख्यम खम के बारे में या एक दो और आपने वहाँ पे रेफरेंस। शायद आपका कहना ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो सही है पर वो ग्रंथों से ही आया है या मेरे अपने दिमाग की उपज है, इसका इसके इसके क्या प्रमाण है? हो सकता है कि मैंने बात तो सही की लेकिन अपने रिलीजियस बेनिफिट के लिए उन्हें ग्रंथों पे थोप दिया हो। तो वैसे तो उनमें जो भी मैंने संस्कृत वाली चीज़ें दी है उनके साथ में जो भी उनके ट्रांसलेशंस हैं उनके मैंने रेफरेंस दिए हैं, पर क्योंकि वो जर्नल मैथमेटिक्स का है तो वो मैथमेटिक्स की ही चीज़ें ज़्यादा चेक करते हैं, संस्कृत वाली नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमने प्लान किया है कि कुछ टाइम में हम एक और रिसर्च पेपर लिखेंगे जिसमें उन संस्कृत वाले श्लोकों की जो व्याकरणिक व्याख्या है, जो एपिस्टेमोलॉजी है उन शब्दों की और उनके जो अर्थ हैं, उसको लेकर एक सेपरेट रिसर्च पेपर लिखेंगे और वो एक संस्कृत के रिसर्च जर्नल में पब्लिश कर देंगे। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट भी कट हो जाएगा कि वो श्लोकों पे जबरदस्ती उसे थोप दिया। जी, क्योंकि ये इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि मोहित आजकल लोग ना बहुत लोग एक्टिव हो गए हैं। अगर आप कोई बात बोलेंगे ना तो लोग बोलेंगे इसका रेफरेंस कहाँ है, ये कहाँ से आप ले रहे हो। और आजकल हर कोई जो आप देखते होंगे, आप भी इंस्टाग्राम या आप क्या हैं इंस्टाग्राम पे? जी, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, विज्ञान दर्शन नाम से ही हूँ। अच्छा, तो जो लोग फॉलो नहीं करते मोहित को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाकी इसलिए क्योंकि जब कोई काउंटर क्वेश्चन करता है, जब आपको कोई सवाल पूछता है आप उसका जवाब देते हैं, तो बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपसे अगर पुनीत भी कुछ पूछ रहे हैं तो शायद ये सवाल बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आपने जैसे कहा बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप रिसर्च करते हैं, तो जो भी आप पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं उसका रेफरेंस आप अभी तक तो आपने बताया कि वेदों से लेते हैं, कौन कौन से बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर करते हैं, जहां से आप चुनते हैं कि हाँ मुझे इससे लेना है, या अभी तक आपको एग्जैक्ट सटीक मिला हो कि मेरे इस सवाल का जवाब इस तो किताब में मिल गया है, तो कौन कौन से बुक्स हैं? अगर इस रिसर्च पेपर की बात करूं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, पर इस रिसर्च पेपर के लिए मैंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का एक पुस्तक है जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा कृत है, और उसमें वेदों में जितना भी विज्ञान है, व्याकरण है, अलंकार है, उसकी एक भूमिका है, एक इंडेक्स है, एक टाइप से वेदों की इंडेक्स उसे कह सकते हैं। तो उसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें ली है। इसके अलावा जो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य आर्यभट्ट, श्रीपति आदि जितने भी विद्वान थे जो गणित के स्कॉलर कहे जाते हैं, उनके बुक से मैंने रेफरेंस लिया है। जी, तो सही मिलते हैं इसमें आपकी जितनी भी जिज्ञासा होती, जैसे आपकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती तो क्या शांत हो जाती है उधर से? हाँ, शांत हो जाती है, और जिज्ञासा का वैसे कोई अंत नहीं है, जब तक जिज्ञासा चलती रहेगी, जब तक नॉलेज हम लेते रहेंगे, जिस दिन संतुष्ट हो जाएंगे। इसमें मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है एक वेदांत दर्शन, उसका पहला ही सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म को जानने के लिए अब जिज्ञासा करो। तो जिज्ञासा करनी है, शांत नहीं करनी है, जिस दिन जिज्ञासा शांत हो गई शायद हम और नॉलेज नहीं ले पाएंगे। पुनीत, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे आप, मैंने कहा कि आप भी मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में जो अभी आप पुनीत से पूछना चाहें? सवाल तो काफ़ी हैं, जैसे मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था इनका, तो मैं यहाँ पे एक, जैसे अभी आप बता रहे थे कि निगेटिव मल्टीप्लीकेशन की जो आपने उसमें डिस्कशन किया है पूरा, उसका आधार आपने जीरो को बनाया है, तो वहाँ पे मेरे को अब जो हम जो दूसरे से तीसरी कक्षा ये जो रहती है लगभग पाँचवीं कक्षा तक में, उस एक टीचर जो होता है, जैसे आपने भी अपना रेफरेंस दिया स्टोरी कि भाई मेरे को ये काउंटर क्वेश्चन करते हैं माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि वो आप मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से वो कैसे करेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, को आपको नई डेफिनेशन जो कि आप क्लेम कर रहे हैं कि ग्रंथों से लाए हैं, तो वो वहाँ से आपने जीरो का जो कॉन्सेप्ट लिया है उसको मैं समझना चाहूँगा एक डिटेल में। ठीक है, मैं थोड़ा जिससे शिक्षकों को भी अच्छे से समझ, मैं शॉर्ट में जीरो वाली चीज़ समझा देता हूँ कि ये जीरो में से जादू कैसे हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर जितने भी लगभग साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि माइनस ब्रैकेट में माइनस फाइव, तो इसे हम प्लस फाइव लिखेंगे, लेकिन क्यों लिखेंगे? तो इसमें मैंने आंसर कर दिया कि हाँ, पहले जीरो लिख दीजिए, जीरो माइनस माइनस फाइव लिख दीजिए, लेकिन बात तो अभी भी वही हुई, जीरो है तो भी वो प्लस हम लिख ही रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस क्यों हो रहा है? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमने डेफिनेशन दी है समैक्यम खम वाली, कि जीरो का अर्थ जहाँ शून्य का अर्थ नथिंग लिया जाता है, वहीं ब्रह्मगुप्त के अनुसार शून्य का अर्थ समैक्यम खम अर्थात धन और ऋण का सम है। तो इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आप अनएम्प्लॉयड हैं फॉर एग्जांपल, और आपका कहने का मतलब है मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो जीरो को एज ए नथिंग के, हाँ, नथिंग की तरह लेते हैं, तो इंडियन एंशिएंट इंडियन में उसको दूसरी तरीके से। जी जी, तो मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं और आपका बैलेंस कुछ भी नहीं है, आपने न तो आज तक उधार लिया है और न ही पैसे कमाए हैं, तो मॉडर्न मैथ्स कह देगी कि आपका बैलेंस जीरो है, लेकिन आचार्य ब्रह्मगुप्त के अनुसार आपका बैलेंस जीरो तब होगा जब जितना आपके पास धन है उतना ही ऋण हो। 50 लाख रुपए आपके पास में अपना खुद का पैसा है और 50 लाख आपके पास में डेट है, तो आपका बैलेंस क्या होगा?
अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं तो पता है कि उसका बैलेंस जीरो होगा, 50 लाख ही डेट है और 50 लाख ही खुद का पैसा है, तो वो जीरो बैलेंस है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है? पैसा उसके पास में 1 लाख है लेकिन बैलेंस जीरो है। तो आचार्य ब्रह्मगुप्त के अनुसार जब आपके पास जितना धन है उतना ही ऋण हो जाए तो वो शून्य होगा। आपके पास न तो धन है और न ऋण है तो आपका बैलेंस शून्य नहीं, आप कंगाल हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने ये जो आपने डेफिनेशन बताई ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है जैसे कि न्यूट्रल फेज है। हाँ, न्यूट्रल फेज है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, जो मैंने 0-5 वाला लिया था कि 0-5 में हम क्या लेंगे, 0 में हम खालीपन एज्यूम न करके +5 और -5 दोनों एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम करिए कि ये 0 है, 0 में +5 भी है -5 भी है। अब -5 तो -5 को निकाल दीजिए उस 0 में से जिसमें +5 और -5 दोनों है। तो अगर आपने -5 को निकाल दिया उस 0 में से जिसमें +5 और -5 दोनों है तो क्या बचा? +5 बच गया। अगर -5 को निकाल दिया तो +5 बच गया, और अगर आप उसमें से +5 निकाल देते हैं तो -5 बच गया। तो ये कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट है, ऐसे नहीं समझाया जाता है। सिंपल यही कहा जाता है कि 0-5 मतलब -+ हो गया, पर वो -+ इसलिए हुआ है क्योंकि 0 जिसमें +5 और -5 दोनों है उसमें से हमने -5 निकाल दिया। तो -5 का मतलब है उस शून्य जिसमें 5 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के फॉर्म में है उसमें से ऋणात्मक संख्या को निकाल देना तो प्लस बच जाएगा। तो -+ हुआ नहीं है, कहीं से पैदा नहीं हुआ है, वो पीछे 0 में दोनों संख्याएं थी, एक हट गई एक बच गई। ये कॉन्सेप्ट जैसे आपने एक अव्यक्त वर्ड का यूज करा था यहाँ पे, तो उसमें यही अव्यक्त का यही अर्थ है कि जो 5 है वो उसमें व्यक्त नहीं है अभी, अनमैनिफेस्टेड है, वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। हम ये भी कह सकते हैं 0 में केवल +5 और -5 नहीं है, उसमें +10 भी है -10 भी है, उसमें +265 भी है -265 भी है, +∞ और -∞ दोनों है 0 में। 0 में सारी संख्याएं हैं, जैसे उसको काम में लोगे उसमें से निकल के आ जाएगी। जब ये डिसबैलेंस कंडीशन में आती है, मतलब जैसे आपने कहा अगर -2 और +2 का ले रहे हैं तो -2 निकाल दे रहे हैं, तो वो व्यक्त मतलब अव्यक्त से वो व्यक्त हो जा रही है, व्यक्त हो जा रहा है वो उसको। यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ेंगे हमारे दर्शक और जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं तो वो शॉक हो जाएंगे कि हाँ कुछ तो मतलब नई चीज है। सवाल का जवाब आपको मिल गया? बिल्कुल जी। जैसे मैंने भी जब पढ़ा था तो, और जब मैंने जीरो को खासकर कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छे से इन डेप्थ में इन्होंने उसमें वर्णन किया उस चीज का कि जीरो वास्तव में क्या प्रॉपर्टी है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो मेरे वो कुछ क्वेश्चन थे जो कि आगे भी जरूर आप पूछते भी रहिए, क्योंकि जैसा कि मोहित ने कहा कि जिज्ञासा शांत नहीं होनी चाहिए। हम अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, वेदों में और किस किस तरीके का विज्ञान है, साइंस है, मैं ये जानना चाहूँगा। अगर मैं इस बात को एक ही समष्टि में कहूँ, यूनिवर्सलाइज करके कहूँ, तो इस संसार की ऐसी कोई भी विद्या नहीं है, ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो वेदों में ना हो। और ऑल टेक्निकली कहूँ तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। अगर विज्ञान की हम प्राचीन परिभाषा को देखें तो विज्ञान की परिभाषा है पृथ्वी तत्व से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का समस्त विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो वेद ही विज्ञान है, वेद में विज्ञान नहीं है। जो भी आप साइंस देखते हैं, मैथमेटिक्स हो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, विमान विद्या हो, वो सारी विद्याएँ वेदों में है। उसके अलावा कर्मकांड, उपासना, पूजा, ये भी है, लेकिन साइंस भी है। साइंस तो क्या, जैसे आपने वेद में वेद ही विज्ञान है ये सेंटेंस का यूज किया, तो ये जैसे आपने कहा भी उसमें विमान विद्या भी है और उसमें मैथ भी है, तो ये क्या एक डायरेक्टली टाइप से है, मतलब हम एक इजीली पढ़ के इसको समझ सकते हैं, या वो कोई डिकोड करना पड़ेगा उन मंत्रों को तब जाके हमको वो समझ में आए? ये जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च मांगता है, क्योंकि जो मंत्र हैं वो वैदिक संस्कृत में हैं और उनके जो भाष्य हैं, जो प्राचीन भाष्य हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो वेदों के भाष्य हैं। तो हमें उनके भाष्यों के भी भाष्य की आवश्यकता पड़ती है और शायद उनके भी ट्रांसलेशंस की आवश्यकता पड़े। तो जब आप बहुत डिटेल में वेदों को पढ़ेंगे, हाँ आप आसान भाषा में यदि आप हिंदी और संस्कृत में पढ़ना चाहें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के भाष्य पढ़ सकते हैं, उनकी लिखी गई ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ सकते हैं, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी। वेद पूरा समुद्र है, आसानी से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, तो उसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि उसमें सारी चीज़ें हैं, मैथ्स की बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि मैथ्स को लेकर ना बड़ा डरते हैं लोग, मैं खुद भी डरती हूँ मैथ्स को लेकर, कैलकुलेशन बहुत तो ऐसा लगता है, और ख़ास तौर पे जब लड़कियों को देखा जाता है कहते हैं इसकी तो मैथ्स ही वीक होगी, लड़कियों के नाम पे ऐसा आता है। ऐसी कौन कौन सी, जैसे हम बात करते आर्यभट्ट की, हम रामानुजम की बात करते हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जिनकी हम बात करते हैं,
कौन कौन सी ऐसी महिलाएं थी जो बहुत ही फेमस थी जिनके लिए विज्ञान जो है जिन्होंने मैथमेटिक्स में अपना नाम किया है, जिनके बारे में हमारे वेदों में भी जानकारी दी है? तो वैसे तो बहुत सारी ऋषिकाएं हुई है, वैदिक ऋषिकाएं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है, और अभी इस विषय पर भी आएंगे कि वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं को है या नहीं है, ये चीज़ हम वेद से ही प्रूव करेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर मैथमेटिशियन की अगर आप बात करें तो हमें सबसे अर्ली रेफरेंस जो मिलता है वो लीलावती जी का मिलता है। लीलावती जी जो कि भास्कराचार्य की बेटी कही जाती है, उनका ग्रंथ भी है उनके नाम पर लीलावती, जो कि उन्होंने लिखा था आचार्य भास्कर ने। और लीलावती जो थी वो एक बहुत ही अच्छी मैथमेटिशियन थी, बीज गणित अंक गणित और बहुत सारी मैथमेटिक्स उनको आती थी। तो ये एक फीमेल मैथमेटिशियन है जो कि संस्कृत भाषा में उनकी गणित मिलती है। तो जैसा कि महिलाओं की बात हुई, महिलाओं का भी नाम लिया, लीलावती जी का नाम, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, जिनको नहीं पता था आज ही जाओ गूगल करो और पढ़ाई करो। वेदों में एक और भी बात आती है, जब भी वेद का नाम आता है ना तो लोग बोलते हैं कास्टिज्म है उसमें, बहुत ही अंधविश्वास है, पाखंड है, बहुत एक ग्रुप हमारा वो है जो वेदों के बारे में ऐसी भी सोच रखता है। क्या सच में ऐसा है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप जानकारी रखते हैं, तो क्या सच में ऐसा है? जी, तो इसमें तीन चीज़ें आ गई, एक तो स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है या नहीं, एक कास्ट सिस्टम है या नहीं, और एक पाखंड है या नहीं। तो सबसे पहले मैं पाखंड वाले को काउंटर कर देता हूँ, क्योंकि पाखंड शब्द खुद ही इस चीज़ को काउंटर कर देता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में चेक करेंगे तो पाखंड शब्द का अर्थ होता है वेद विरुद्ध बात। तो वेदों में पाखंड कैसे होगा? वेद तो खुद वेद की ही बात कहेगा। तो वेदों में पाखंड नहीं है, जो वेद विरुद्ध जितनी भी चीज़ें हैं वो बाई डेफिनेशन ही पाखंड है। और हाँ, अगर किसी को जार्गोन लगता है कि ये तो शब्दों में फंसाना हो गया, पाखंड मीन्स अंधविश्वास वेदों में है या नहीं है, तो मुझे तो अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं मिली है वेदों में जिस पे साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो। अगर आप पुनर्जन्म वगैरह पर भी जाते हैं तो उस पर भी साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल है आज की डेट में। हाँ जी हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कमिट कर रहे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं जो कि बोलते हैं कि पुनर्जन्म है। तो आपके हिसाब से ऐसा जो भी लोग सोचते हैं, जो एक ग्रुप है, पूरी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, उस यूनिवर्सिटी ने 40 इयर्स मेहनत करके एक रिसर्च की है, और उसमें जो रिसर्चर्स हैं उनकी आप फोटो देख सकते हैं वहाँ पे गैलरी में जाके, तो वो कोई भी तिलक वाले या चुटिया वाले नहीं हैं, वो सारे क्रिश्चियंस या ज्यूज या एथिस्ट ही मिलेंगे। और उनके जो एक प्रोफेसर हैं जो कि अभी कंडक्ट कर रहे हैं रिसर्च, जो हेड हैं वो है डॉक्टर जिम बी टकर, उनकी एक बुक भी है लाइफ बिफोर लाइफ, उसमें लगभग 2500 केसेस उन्होंने स्टडी किए हैं 40 साल में, उसमें से कुछ चुनिंदा केसेस को उन्होंने लिया है, और पूरी रिसर्च है ही री इनकारनेशन पे, और वो इस बात पे स्टाम्प लगाती है कि री इनकारनेशन स्टैटिस्टिकली वेरीफाइड एक साइंस है और इस पे आगे रिसर्च करनी चाहिए। तो मोहित, क्या हमें आगे आपसे कभी जानने को मिल सकता है इसके रीबर्थ के बारे में? रीबर्थ पे पूरा अलग से एक पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और हम आसपास अपने सुनते रहते हैं कि हाँ उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया या इसे अपने पिछले दो जन्म याद आ गए, उसमें बहुत सारे झूठ भी होते हैं। लेकिन अगर किसी ने एक झूठी पुनर्जन्म की कहानी बना ली, इसका मतलब ये नहीं है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट झूठा हो गया। आपने बोला तिलक चुटिया वाले नहीं होंगे, आपसे जानना चाहूंगी गुरुकुल में अक्सर हम देखते हैं कि जैसे गुरुकुल के बच्चे जो होते हैं या जो वेद की शिक्षा ले रहे होते हैं वो तिलक लगाते हैं, वो जो पीछे चुटिया रखते हैं, शिखा रखते हैं, वो शिखा भी होती है उनकी। आप भी गुरुकुल से पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो ऐसा नहीं रखते, तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि जो गुरुकुल जाएगा, जो वेदों की पढ़ाई करेगा, उसके लुक्स भी वैसे ही होंगे, इस बात से आप सहमत है कि क्या गुरुकुल जाने के बाद लोग बदल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गुरुकुल जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। बेसिकली क्या है कि वो एक पद्धति है पूरी गुरुकुल की, जो शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान में हम जो देखते हैं। आज क्या हो रहा है, बच्चे की एक टाइमिंग बंदी हुई है, सुबह जाना है शाम को आ जाना है, उस बाद में वो 9 से 12 के बीच में स्कूल में रहे, बाद में अपने माता पिता के साथ रहा। बट जो हमारी आश्रम व्यवस्था रही है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो रहा है, उसमें वो जो पीरियड रहा है वो एक आचार्य के कुल में, जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, गुरु के कुल में रहना और उसके सानिध्य में रह के सब चीज़ों का अध्ययन करना, व्यवहार भी उसमें सब सम्मिलित हो जाता है। तो वहाँ पे वो सब शिक्षा दी जाती है, और वो शिक्षा जब दी जा रही है व्यवहारिकता से लेके सब तरह की शिक्षा वहाँ पे वेद में, जैसे मोहित जी ने कहा कि वेद ही विज्ञान है, तो वहाँ पे वेद के विज्ञान, अब विज्ञान में अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा, ये रिलेट कर पाएंगे जिससे दर्शक, कि जैसे हम श्रीराम जी का नाम लेते हैं और श्रीराम का नाम लेके हम वहाँ पे एक बहुत साइंटिफिक कॉन्सेप्ट लेते हैं कि उन्होंने भारत की कन्याकुमारी से श्रीलंका तक एक पुल का निर्माण किया था। तो वो पुल का निर्माण एक हम देखने में हमें दिखाया जाता है कि पत्थर तहर गए थे एक नल और नीर के द्वारा, बट क्या वास्तव में ये साइंटिफिकली हमें देखने को मिलता है, ऐसा हो सकता है? अब श्रीराम जी ने उस समय पे गुरुकुल से अध्ययन किया है, तो वहाँ पे उन्होंने जियोलॉजी भी पढ़ी होगी,
सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ी होगी, मॉडर्न टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे कुछ भी वर्ड हो सकते हैं, तो वो सब चीजें पढ़े होंगे। और उसका आधार क्या रहा होगा, जैसे मोहित जी ने भी बात की, उसका आधार वही वेद ही रहा है। तो वहाँ पे खाली ये नहीं है कि कुछ चुटियादारी या यज्ञ और हवन संध्या यही सिखाया जाता है, वहाँ पे वो विज्ञान की सभी विभागों में अध्ययन कराया जाता है। और रही बात व्यवहारिकता की, तो वो आज के समय में हमें ढलना पड़ेगा, वरना समाज फिर थोड़ा रूडली बिहेव करता ही है। आप दोनों यंग हैं, मैं आप दोनों से एक सवाल जानना चाहूंगी, जैसे कि क्या ऐसा है कि आप किस इस बारे में क्या सोचते हैं कि अगर तिलक लगाए कोई, शिखा रखे कोई, तो क्या ये जो सोसाइटी है, करंट जो जनरेशन चल रहा है, जेंजी वाला जो है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? आप दोनों के राय जानना चाहूंगी कि अगर आप दोनों, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी कपड़े पहने हुए ऐसे, अगर आप धोती पहन लो, तिलक लगा लो, शिखा रखो, तो क्या आपको लगता है कि जो यंगस्टर्स है, जो जेंजी है, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी? पहले तो ये कि जैसा स्थान होता है, जैसा देश वैसा वेश। तो जैसे मैं आज एज ए रिसर्चर बात कर रहा हूँ, तो मैं कोट पहन के आया हूँ, टाई सूट पहन के आया हूँ, टाई लगा के आया हूँ। वही मैं जब गुरुकुल में जाता हूँ तो ये जो पवित्र मैंने पहन रखा है, और वहाँ पर हम धोती पहनते हैं, उस तरह का आउटफिट पहनते हैं। और रही बात एक्सेप्ट करने वाली, तो मैं तो एक कदम आगे जाकर बात कहूँगा कि जेंजीज हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए कि हम जेंजीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो अगर बहुमत ऐसे लोगों का होगा जो इस धारा में चलते हैं, तो क्वेश्चन रिवर्स हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो अभी आवश्यकता है इस और ध्यान देने की कि जेंजीज को कैसे समझाया जाए कि हाँ ये चीज़ें हैं। आप क्या सोचेंगे इस बारे में, क्या आपके कहते हैं? मैं जो मोहित जी ने अभी कहा उस चीज़ से सहमत हूँ। दूसरा, वर्तमान में थोड़ा सा देखने को भी मिलता है कि एक उनकी धारणा एक अलग हो जाती है। पोशाक, मतलब जो हमारी ड्रेसिंग सेंस होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल होता है समाज में, कि अगर उसने धोती कुर्ता पहना हुआ है तो वो उसको इस तरीके से नज़र से देखते हैं, या तो एक ब्राह्मण टाइप का है, या फिर मतलब एक पिछड़ा कर्मकांडी है। हाँ। अब जरूरी नहीं है, ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर हमें देखने को मिलते हैं, साइंटिस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जो इस साधारण देश में रहते हैं। मैं इसमें बस छोटी सी एक बात कहना चाहूँ कि हमें अपने व्यवहार या अपनी पोशाक को अपने तक, जैसे हम पहनावा जो पहन रहे हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करना चाहिए हमारे अंतर्मन को कि सामने वाला क्या सोच रख रहा है हमारे प्रति, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैंने इसलिए आप दोनों से ये सवाल पूछा क्योंकि अगर हम वेद की तरफ लौट रहे हैं, तो अगर हम वो भी वेशभूषा रखें जो पहले रखी जाती थी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि समाज उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है सोसाइटी, हम उसको नकार नहीं सकते। तो इसीलिए आप दोनों से ये सवाल था। आगे चलते हैं, नारी शिक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे भी आपने बोला कि वेद पढ़ने का अधिकार जो है महिलाओं को था या नहीं था, तो नारी शिक्षा का अधिकार महिलाओं को था या नहीं था, ये भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनको नहीं था। वेदों में ऐसा कहा गया कि नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नर और नारी दोनों ईश्वर ने बना दिए, वेद भी ईश्वर ने ही बनाया और केवल एक के लिए बना दिया हो। पर साथ में आपने कास्ट सिस्टम का भी पूछा था, तो मैं एक मंत्र कोट करना चाहूँगा और उसमें ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथेमा वाचम कल्याणी माँ वदनी जनेभ्य ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कल्याणी यानी अर्थात जो वेद वाणी है, ईश्वर की जो कल्याणमय वाणी है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इन चारों की ही जो स्त्रियां हैं, अर्थात जो पत्नियां हैं या जो बेटी है, माँ है, जो भी उनके घर की फीमेल्स हैं, तथा उनके जो सेवक हैं, इन सभी को कंबाइंड रूप से वेद विद्या का, इस कल्याणी वाणी का अधिकार है। और ये यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, ये मेरी आपकी बात नहीं है, पंडित जी की बात नहीं है। तो इस मंत्र का क्या काउंटर है जो लोग बोलते हैं कि नारियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि अधिकार है। तो जितने भी लोग अभी तक ये सवाल पूछते थे या लिखते थे, वो चेक कर सकते हैं 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में, रेफरेंस आपको मिल चुका है। बाकी आपने लीलावती जी का भी नाम लिया, तो उनके बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। जिन भी लोगों को डाउट है, तो वेदों से ही हमारी पुरानी जो संस्कृति रही है, उसमें महिलाओं को हर चीज का बराबर का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम अभी मॉडर्न साइंस की भी बात कर रहे हैं, वैदिक साइंस की भी बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, कैसा डिफरेंस है वैदिक जो साइंस है और मॉडर्न साइंस है? तो डिफरेंस तो बहुत सारे हैं। मॉडर्न साइंस की कुछ अपनी खूबियां भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिजिड न होना। जैसे अभी जो करंटली जो रिलीजन का फॉर्म है, वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया है, और मॉडर्न साइंस अपने आप में काफ़ी
खुल के चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मॉडर्न साइंस में पाखंड या अंधविश्वास नहीं है। अच्छा, आप कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि साइंस में पाखंड या अंधविश्वास कैसे हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने धर्म के नाम पर तो आज तक बहुत सारे पाखंड सुने होंगे, अंधविश्वास सुने होंगे, पर साइंस के नाम पर भी हुए हैं। एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसका मतलब है कि जो मानव का जो विकास है वो बंदर टाइप के जीवों से हुआ है, मतलब कॉमन एंसेस्ट्री बोली जाती है मंकीज और ह्यूमंस की। तो उसको प्रूव करने के लिए, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि ये थ्योरी सही है या गलत है, उस पर सेपरेट डिस्कशन नीडेड है, पर उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी फॉर्जरी यानी नकली प्रमाण दिए गए हैं। जैसे एक द पिल्टडाउन मैन के नाम से मशहूर फॉर्जरी है, उसमें क्या किया गया कि एक ह्यूमन का स्कल लिया गया, खोपड़ी ली गई, और उस पर एप के जबड़े और दांत आर्टिफिशियली चिपका करके म्यूजियम में रख दिए गए, और ये बोल दिया गया कि ये आधे मिलियन साल पुरानी प्रजाति है। तो ये अंधविश्वास या पाखंड ही हुआ, और उसे 40 साल तक पढ़ाया गया। 1953 में खुलासा हुआ कि ये जो स्कल है ये तो चिपका हुआ है, ये तो इंसान की खोपड़ी के एप का दांत और जबड़ा चिपका दिया। तो जब ये बात पता चली तो जिन लोगों ने 40 साल उस पर PhD की थी, रिसर्च की थी, उन सबका एजुकेशन दरी की दरी रह गई। ऐसी एक और अमानवीय कृत्य भी बताता हूँ जो कि इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए हुआ है। ओटाबेंगा नाम का एक मनुष्य था जो कि अफ्रीका का था, और अफ्रीका के जो लोग होते हैं बहुत सारे जंगल में रहने वाले ऐसे होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही लंबी होती है, बोने भी होते हैं उसमें, ब्लैक होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो मुंह का शेप होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ऐसे एक इंसान को पकड़ करके उसके दांतों को घिस के और जानबूझ के वो पुराने दिखाए जा सके, मतलब कि मिसिंग लिंक मिल गया या पुरानी कोई प्रजाति मिल गई, और उसे एक ह्यूमन जू में रख दिया कि ये बंदर और इंसान, मतलब जो कॉमन एंसेस्टर थे, बंदर से मेरा अर्थ यहाँ कॉमन एंसेस्टर है, तो जो कॉमन एंसेस्टर थे वो जो ह्यूमन थे उनके बीच का जो मिसिंग लिंक है, मतलब जो पूंछ वाले जो जीव थे उनसे जब इंसान बन रहे थे तो पूछते हैं बीच वाला कहाँ गया, तो बीच वाला दिखाने के लिए एक इंसान को जू में डाल दिया गया। और उस इंसान ने जब उसे पता चला कि ये बात प्रूव करने के लिए उसे जू में डाला गया है, एक मनुष्य को जू में डाला गया है, तो उसने आत्महत्या कर ली। ये साइंस के नाम पर हुआ है, तो यानी कि साइंस में, मॉडर्न साइंस में भी है और ये एक्सेप्टेड है। अब इसकी सभी निंदा करते हैं, सारे साइंटिस्ट निंदा करते हैं कि हमसे भूल हो गई, हमने बस हमारी बात को प्रूव करने के लिए ऐसा कर दिया था। तो ये जो लोकेशना होती है, अपनी बात फैलाना, प्रोपोगेट करना, अपने आप को पुजवाना, ये भाव केवल पाखंडी संतों में नहीं होता है, पाखंडी वैज्ञानिकों में भी होता है, उसके लिए वो भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोनों जगह हैं ये चीज़ें, ये हमारे यूथ को नहीं पता आज। यानी कि कलयुग है, साइंस, जो लोग बार बार जो कहते हैं कि साइंस में नहीं है, साइंस में, हम तो साइंस को मानते हैं, तो यकीन मानिए आज आपको कोई बता रहा है कि साइंस में भी पाखंड है, वहाँ भी फ्रॉड चीज़ें हो जाती है, होती है, बहुत सारी होती है, सबसे ज़्यादा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम पर। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बहुत सारे लोगों ने, हमने नालंदा के बारे में जो है पढ़ा है कि उसको जला दिया गया, और हमारे बहुत सारे बुक्स थे जिससे हमें लॉस हुआ। आपको लगता है क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेद जो है, वेद अभी से हम वेद से जानकारी ले, लेकिन कितना लॉस हुआ, हमारे जो इन्वेडर्स आए या जो भी लोग आए उन्होंने छेड़छाड़ की, तो आपको क्या लगता है अगर वो चीज़ें होती हमारे पास तो आज इंडिया कहाँ होता, आज हम कहाँ होते, कितना लॉस था ये? बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये इंडिया ने दिया, बोर्डिंग स्कूल की बात करूँ तो ये इंडिया ने दिया, जो कुलपति का कॉन्सेप्ट है चांसलर का वो भी इंडिया ने दिया। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिन्हें जानकारी नहीं है मैं बता दूं कि जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने जैसे ही ये डिस्कवरी की उनके टाइम पर, तो उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, चांसलर बनाया गया। तो चांसलर का कॉन्सेप्ट नालंदा से बाहर गया है, यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से बाहर गया है। लेकिन अगर आज की डेट में हम टॉप 200 या शायद 500 यूनिवर्सिटीज़ भी देखें तो उसमें एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं आती है, इवन IIT भी नहीं आती है। तो ये नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज़ को जलाने का ही प्रमाण है। तो वहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी जो कि आज अवेलेबल नहीं है, और मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बुक्स है जिनके नाम नाम मिलते हैं या 40-50 श्लोक मिल जाते हैं, वो आगे नहीं मिलती है, बुक्स नहीं मिल रही हैं, हो सकता है वो वहीं पे जली हो, जली हो, यानी बहुत बड़ा लॉस था ये। एक और चीज़ आपसे, मैं इसलिए आप लोगों से, ये दोनों लोगों से ये सवाल होगा मेरा, क्योंकि आजकल अगर आप किसी से भक्ति की बात करो या पूजा पाठ की बात करो तो आजकल कहते हैं अरे हम नहीं मानते, जैसे सूर्य को जल देना लोग समझ लेते हैं अरे ये तो बस ऐसे ही चल रहा है, पूजा पाठ है, तिलक लगाना पूजा पाठ है, बोलते इसके पीछे का साइंस बताओ। तो क्या आप भी यंग हैं, आप भी यंग हैं, आप दोनों से मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि क्या हमारे जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं कर्मकांड में है, पूजा पाठ में है, इन सबके पीछे साइंटिफिक कोई ना कोई जो है रीज़न छुपा हुआ है या कुछ वो गलत भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जितने भी रिचुअल्स हैं जो आज प्रेवलेंट है, तो सीधी सी बात है कि अगर जैसे आपने पीछे पूछा था जो वैदिक विज्ञान है उसमें क्या फ़र्क है या वैदिक जो चीज़ें हैं वो क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब तक वैदिक विज्ञान अपने चरम पर था,
सारी सिविलाइजेशन जो थी, जो वैदिक सिविलाइजेशन थी, वो लगभग टॉप पर थी। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें पतन की ओर बढ़ी और मेडिवल टाइम में फिर से उठने का प्रयास हुआ नालंदा विश्वविद्यालय जैसे उपक्रमों के द्वारा, लेकिन उनको फिर से दबा दिया गया, जला दिया गया, तो उसके बाद में वो लॉस में ही जाती रही। तो उसके बाद में मेरा ऐसा मानना है, और ये तो प्रूव्ड ही है, कि जो वैदिक रिचुअल्स थे वो बहुत कम बचे और उनमें कुछ चीज़ें ऐड हो गई, सांस्कृतिक चीज़ें, लोक साहित्य की चीज़ें, आसपास से मिली जुली चीज़ें जो है वो रिचुअल्स में आ गई। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट साइंटिफिक रिचुअल्स और जो वैदिक रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने हैं, तो आप वेद शास्त्रों को पढ़िए, उनमें जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे ही रिचुअल फॉलो करने हैं, तो आप पॉल्यूटेड रिचुअल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे जेंजीज के पास में, वो केवल एलिगेट कर सकते हैं कि हाँ ये गलत है। अब उसमें से कितना सही है क्या सही है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वो उस पर स्टडी नहीं करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जो भी हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारी जो हम पूजा पाठ करते हैं या जितनी भी चीज़ें होती हैं, आप गुरुकुल से भी संबंध रखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या उन सब चीज़ों को करने के बाद सच में लाइफ चेंज होती है? हमारी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जो वर्तमान में जो समाज में काम करते हैं, जो जा रहे हैं, कोई हर तरीके की आज का जो माहौल है वो टेंशन इस तरीके का भरा है, तो हम एक शांति की ढूंढने का प्रयास करते हैं। और शांति बाहर से नहीं होती, वो होती है मन की शांति। और मन की शांति के लिए हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं प्राचीन, उन्होंने जो पद्धति बनाई है, अब जैसे मैं यहाँ पे जो हमारी वैदिक पद्धति जैसे मोहित जी ने बात करी है, तो उसमें कुछ स्पेशली जो उन्होंने जोर दिया है वो उपासना पद्धति पे दिया है। और उपासना पद्धति मतलब लाइक मॉडर्न लैंग्वेज में मेडिटेशन, तो वो खुद भी मैं करता हूँ और वो मैंने रिजल्ट देखे हैं। अब ये चीज़ कुछ इस तरह की है कि जब व्यक्ति वो खुद करेगा वो चीज़ परफॉर्म, उसको वो रिजल्ट तभी दिखेंगे। अब वो मेरी बॉडी के अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं तो वो मेरे को पता होगा, ना कि सामने वाला उसको देख सकता है उस तरीके से। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जब वो चीज़ें परफॉर्म करेंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोहित जी ने कहा है कि आप क्वेश्चन तो काउंटर क्वेश्चन तो उठा रहे हैं, बट उसकी प्रमाणिकता जाँचने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसकी प्रमाणिकता आपको पता नहीं लगेगी। वही बात सही है कि धर्म के आधार पर बहुत सारे पाखंड और ऐसे कर्मकांड चल रहे हैं जो कि जिनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, बट जिनके पीछे एक्चुअल में साइंटिफिक लॉजिक है वो भी उस पाखंड के अंडर में आ जाते हैं। ये समाज में एक धारणा बन जाती है, बट हमें वहाँ पर जाँचना होगा कि कौन सा सही है, प्रमाणिक है, कौन सा गलत है। और उसके लिए वही बात है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा अपने शास्त्रों को। यानी कि जितने भी लोग इस तरीके के सवाल पूछते हैं, अपने आप अपने घर में नानी दादियों से भी पूछते होंगे, अपने माता पिता से भी पूछते होंगे कि इसके पीछे क्या है, तो आज इस इंटरव्यू में एक चीज़ आप के जाने लायक ये है। बहुत सारी चीज़ें जो है, खास खास बातें आपने आपको समझ ली, कि एक व्यवहारिक ज्ञान ये हो सकता है कि आपको जब भी कोई अगर बोले कि ये रिचुअल फॉलो करो, ये आप खुद से कोशिश करें, क्योंकि जैसा मोहित ने बताया कि इनको जिज्ञासा हुई शांत करने के लिए, इन्होंने खुद उसके बारे में पढ़ाई की। तो अगर आप किसी चीज़ पर डाउट करते हो, आप हर चीज़ पर काउंटर करते हो, तो उसका जवाब भी पहले खुद ढूंढने की कोशिश करो, और वो शायद हमारे वेदों में है, तभी शायद इतने सारे लोग वेदों की तरफ वापस जा रहे हैं। वेद की बात कर रहे हैं, क्या वेद विज्ञान को, साइंस को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। जैसा मैंने पहले आंसर किया कि वेद ही विज्ञान है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि साइंस को डेवलप करने में नहीं, बल्कि साइंस को बचाने में वेद अपना योगदान दे सकता है। जैसे एक और छोटी सी बात कि वेद का जो विज्ञान है वो केवल नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, वो साथ में पर्पस को भी डिराइव करता है। कि आपने एक चीज़ बना ली, चाकू आपने बना लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल सब्जी काटने में करना है, ये विज्ञान है। और उसका काम किसी का मर्डर करने में करना है, ये बस केवल नॉलेज है, और उसका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जो जहाँ वेदों में जो विज्ञान है उसका उपयोग करके मानव के कल्याण में उपयोग में लिया जाता है, यानी जो वैदिक विज्ञान है वो विकास करता है, और जो मॉडर्न साइंस है वो विकास करेगा या विनाश करेगा ये कह नहीं सकते। आज हमने विकास बहुत कर लिया है नोएडा में, लेकिन पॉल्यूशन इतना है और टेम्परेचर इतना है कि ये मुझे तो नहीं लगता कि विकास की ओर है। अगर ये 5-7 डिग्री और बढ़ गया तो हम देखेंगे रोड पे चलते चलते लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये विकास है या विनाश है ये आपको तय करना है। यानी कि लोगों के पास नॉलेज है, उसका वो गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे पॉल्यूशन की आपने बात की, क्या हमारे आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करने वाले कि पॉल्यूशन कम, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, वाह, तो आप कुछ करने वाले हैं ऐसा?
मुझे लगता है कि इसमें तो हमें कुछ भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम अधिक से अधिक लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पोल्यूशन को कम कर सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है। लेकिन पेड़ लगाना तो दूर की बात है, शायद अभी ये मूवमेंट चालू करना चाहिए कि पेड़ कम काटो। इतने ज़्यादा पेड़ हमारी कंट्री में कट रहे हैं, हमारी कंट्री में नहीं वर्ल्ड वाइड कट रहे हैं। ऋषि मुनियों की हम बहुत बात करते हैं आजकल, जैसे कोई होता है तो ऐसे बोलते हैं, नॉर्मली हम ऐसे बात करते हैं कि रिसर्चर है, साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट ऋषि ही तो है अगर देखा जाए तो, हम कह सकते हैं ऐसा कि जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो साइंटिस्ट ही थे, वो रिसर्चर ही थे। साइंटिस्ट से ऊपर थे पर साइंटिस्ट भी थे, क्योंकि एक ऋषि जो है वो साइंटिस्ट भी है, रिसर्चर भी है, वो एक गुरु भी है, टीचर भी है, वो एक अच्छा साहित्यकार भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ऋषि जो है वो अगर ऋषि इज इक्वल टू साइंटिस्ट होता तो आज जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको भी हम ऋषि कह सकते हैं। तो हम हर ऋषि को साइंटिस्ट कह सकते हैं, लेकिन हर साइंटिस्ट को ऋषि नहीं कह सकते हैं। यानी ऋषि मुनियों की बात यहाँ है, थोड़ी सी ऊपर है। बाकी आप दोनों से जानना चाहूँगी अभी के टाइम पे, क्योंकि हमने बहुत सारी सीरियस बात देखी। और एक और चीज़ आपको कह दूँ, जितने भी मोहित ने अभी रिसर्च किए हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने रेफरेंस तो दे दिया है, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। जो लोग काउंटर करना चाहते हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं या आपको किसी भी और तरीके की जानकारी चाहिए, आपको लगता है नहीं इनकी इस बात में कोई एक डाउट है आपको, तो क्लियर करने के लिए आप सवाल ज़रूर पूछेगा। हम अगली बार ज़रूर मोहित को बुलाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्यों ऐसा आपको हुआ कि आपको, जैसे आजकल यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है, पार्टी जाते हैं, क्लब जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मोहित आपको क्या पसंद है, मतलब आपको क्या मौज मस्ती? क्योंकि लोग जब सोचते हैं ये बहुत ही पढ़ाकू बच्चा होगा, ये तो इसने तो रिसर्च किया, ये बड़ा पढ़ाकू होगा, घंटों घंटों पढ़ता होगा। कितनी देर की पढ़ाई करते हैं आप और किस तरीके के आपके डेली रूटीन्स होते हैं? अगर मौज मस्ती की बात करें तो मेरा मानना ये है कि मौज मस्ती वो की जाए जिससे किसी और को हानि ना हो, जिससे अपनी हानि ना हो और जिससे अपने परिवार की हानि ना हो। यदि ये तीन चीज़ें मिल रही है उसमें एक साथ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मौज मस्ती है, क्योंकि आपको आनंद मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं, आप क्लब जा रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, तो उससे आपका भी नुकसान हो रहा है, आपके परिवार का भी नुकसान हो रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये मौज मस्ती है, ये बुढ़ापे में दर्द पाने का एक सस्ता जुगाड़ है। तो ये मौज मस्ती नहीं है, बस इट साउंड लाइक मौज मस्ती बट ये मौज मस्ती नहीं है। तो ये क्लब व्लब वाली चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। हम तो जब ये मैंने आपको जो बताया कि स्कूली टाइम में मुझे ये इंटरेस्ट आया था, तो उसके बाद में मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ मेरे हाथ लगा, और बहुत ही क्रांतिकारी ग्रंथ है वो पढ़ने के बाद ही ग्रंथ पढ़ने की रुचि आई। तो उसके बाद में क्लब व्लब तो दूर है, दूसरी चीज़ें दिखती है। कितनी देर की पढ़ाई होती है, मतलब कितनी देर पढ़ाई करते हैं? ये जो एक एग्जाम पास करने के लिए बच्चे रात रात भर पढ़ लेते तब भी पास नहीं हो पा रहे, आपने तो इतनी बड़ी चीज़ की है, इतना बड़ा इनोवेशन किया आपने, बहुत बड़ी चीज़ की, तो उसके लिए कितनी पढ़ाई की आपने और कितना आपका डेडिकेशन लगा? अगर पर्टिकुलर इस रिसर्च की मैं बात करूं तो ये जिज्ञासा तो बचपन से थी, लेकिन कोविड टाइम में मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया था और रिसर्च पेपर लिखना चालू किया था। तो लगभग 2 से 3 साल लगे सारी चीज़ें वेरीफाई करने में, पढ़ने में, क्योंकि अब तो इस रिसर्च पेपर को आपको पढ़ने में आधा घंटा भी नहीं लगेगा, लेकिन वो रिसर्च पेपर बनाने के लिए जितने संदर्भ ग्रंथ पढ़ने पड़े तो 2 से 2.5 साल लगे, साल भर लग गया उसको पेपर लिखना है, कहाँ डालना है, जानकारी जुटाने में, 6-7 महीने उसकी आगे चेकिंग हुई, तो कुल मिलाकर के 3-4 साल का टाइम इस पूरे रिसर्च में लगा है। एक कोविड में कुछ ऐसे भी लोग थे, मतलब बहुत सारे लोगों की कोविड ने लाइफ बदल दी, कुछ लोगों ने रील बना के वो इन्फ्लुएंसर बन गए, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें करते थे, कोई अपने कुकिंग के स्किल को, तो आपने ये रिसर्च दिया है और ये इंडिया के लिए प्राउड की बात है। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा रिसर्च किया, किस तरीके का सपोर्ट आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिला, या अभी तक किस तरीके की आपको जो है फैमिली तो और जो है हमेशा सपोर्ट करती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कैसे आपको लोगों ने सपोर्ट किया? एक्चुअल मैंने जो रिसर्च किया है तो ये एज ए इंडिपेंडेंट रिसर्चर ही मैंने ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किया है, और रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने के लिए कुछ फंड भी लगता है, वो फंड भी मेरा ही खुद का ही था, तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल तो कुछ नहीं है। पर हाँ, मैं आगे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंड करती है तो मैं ही नहीं, मेरी रिसर्च टीम में भी 10-15 लोग और हैं, और भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइप की चीज़ें खोज सकते हैं। जैसे जो आचार्य ब्रह्मगुप्त के जिस ग्रंथ से मैंने ये चीज़ निकाली है, वो केवल एक पेज से मैंने ये चीज़ निकाली है, ऐसे उसमें सैकड़ों पेजेस हैं। तो सोचिए कितने मार्वल्स और कितनी रिसर्चेस भारत दे सकता है दुनिया को अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो। और हमारे जनजीज को भी ध्यान देना चाहिए, अगर वो मैथमेटिक्स फिजिक्स अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ें, साथ में थोड़ा ग्रंथों को पढ़ें, भले अपनी वेशभूषा, अपने आचरण को उसे ना बदलें, लेकिन कम से कम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी एकेडमिक ग्रोथ के लिए ग्रंथों को वो पढ़ सकते हैं। तो यानी कि
देखा जाए तो अभी आपको और ज़रूर अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर किसी एक की भी लाइफ बदलती है इस बात को सुनने के बाद, तो ज़रूर आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो टाइम आप फालतू की चीज़ों में वेस्ट करते हैं, थोड़ा आप ग्रंथों की तरफ जाइए। हम हमेशा अपने इस शो के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि वेदों की तरफ लौटे। वेद की बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, क्योंकि हम बार बार वेद 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 कर रहे हैं। हमारे सनातन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी चीज़ें। वेद पुराण को लोग बड़ा ही, पुराण को एक अलग ही एंगल से देखते हैं, कहते पुराणों में गंदगी है। आपने वेद की पढ़ाई की है, क्या पुराणों के बारे में भी आपने पढ़ाई की है? पुराण पढ़े? पुराण भी पढ़े हैं। और तो क्या उनकी बात सच है, पुराण में गंदगी है? पुराण में गंदगी है ये अधूरा वाक्य होगा, पुराण में गंदगी भी है ये कहा जा सकता है। तो पुराण में साइंस भी है, कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वंशावलियाँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमें पुराणों से मिलती है, लेकिन बहुत सारा गार्बेज भी हमें पुराणों से ही मिलता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुराणों में साइंस भी है पर नॉनसेंस भी है, तो दोनों चीज़ें पुराणों में है। और इसका कारण है लिटरल एडिशन, मतलब मिलावट, और ये मैनुस्क्रिप्टिक एडिशन और जो मैनुस्क्रिप्टिक एनालिसिस होता है उससे ये बात प्रूव्ड है कि पुराणों में काफ़ी सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई है। कुछ तो पुराण ही पूरे बाद में लिखे गए हैं, जैसे एक भविष्य पुराण है, उस भविष्य पुराण में रानी विक्टोरिया तक का जिक्र आ जाता है। तो ये कैसे आया, अगर पुराण लाखों साल पुराने, हजारों साल पुराने हैं, तो उसमें रानी विक्टोरिया का जिक्र नहीं आता। तो यानी कि जैसा आपने कहा कि उसमें साइंस भी है, नॉनसेंस भी है, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी, अगर कोई अभी इस वीडियो को देख रहा है, वो बच्चा अगर वो चाहे कि उसको भी पढ़ाई करनी है वेदों के बारे में जानकारी, जैसे आपने बताया कि वेद में बहुत सारी मैथ्स की चीज़ें, साइंस की चीज़ें बताई गई हैं, कौन कौन से बुक्स वो पढ़े, आप क्या क्या रेफरेंस देना चाहेंगे, कौन कौन से बुक के नाम बताना चाहेंगे? तो निश्चित सी बात है कि इतनी बातें सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आया होगा कि वो भी ऐसी चीज़ें पढ़ें और नई नई चीज़ें डिस्कवर करें। लेकिन होगा क्या, जैसे कई लोग सीधा जाएंगे किसी वेबसाइट से वेद खरीद लेंगे, घर पे मंगवा लेंगे और कुछ पन्ने पढ़ेंगे और कुछ का सर चकरा जाएगा, जैसे मैथमेटिक्स में सर चकराता था ऐसे ही यहाँ सर चकरा जाएगा, तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसके लिए जो मैंने ग्रंथ बताया, जिस ग्रंथ को पढ़ करके मुझे एक नई ऊर्जा मिली इस और कार्य करने की, वो था सत्यार्थ प्रकाश। वहाँ से शुरुआत करें, फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का एक ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी साइंस की बातें आपको मिलेंगी, वहाँ तक जाएं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं लेकिन छुपे हुए हैं। जैसे पहले आपने अभी महिला शिक्षा की बात की, तो एक बहन है आर्यवीरा, उनका यूट्यूब पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वो महिलाओं के जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा है, उसी को लेकर काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर जैसे कास्ट सिस्टम की आपने बात की, आपको लगता है कि आप दलित हैं, आप वेद नहीं पढ़ सकते, तो आप एक रियल इंटेंशन चैनल है, वहाँ जा सकते हैं। आपको फैक्ट पसंद है तो सनातन रिवेल्स चैनल है एक, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन सभी चैनल्स पर सब्सक्राइबर कम होंगे, लेकिन जो मिर्च मसाले की बातें करते हैं, रिसर्च कम दिखाते हैं, चटपटी बातें ज़्यादा करते हैं, धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें घुसा के बोलते हैं जिसमें आनंद ज़्यादा आए, रस ज़्यादा आए, तो उनके सब्सक्राइबर्स लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे, और जो रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स एकदम ऐसे होंगे गिनती में। तो ये मुझे लगता है कि हमारे पब्लिक की भी थोड़ी कमी है कि वो जानबूझ के अच्छे कंटेंट की तरफ आता नहीं है, कंटेंट है पर पहुंचता नहीं। तो आपको जानकारी मिल गई कि कहां से आप भी, क्योंकि जब कहते हैं ना हम कोई बात सुन दे तो अचानक से हमें भी बोलते हैं ना क्रांतिकारी पैदा हो जाता है अंदर से कि ये तो चीज़ अब हमें भी करनी है। तो अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल मोहित और पुनीत आप दोनों से हैं। हमारे जैसे अभी हम बात करते, हर चीज़ को ब्लेम करना बहुत आसान है, हम ब्लेम करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम गलत है। यूथ को क्या करना चाहिए ताकि उस सिस्टम में चेंज आए ब्लेम करने की जगह? पहले तो यूथ को यही करना चाहिए कि थोड़ा बहुत हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। और मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि जो यूथ है, जो अभी वाला यूथ है, जो एकदम जो मेरे एज ग्रुप का है, वो हार्ड वर्किंग नहीं है इस ब्लेम गेम के अंदर। तो वो ब्लेम कर देंगे कि हाँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है, लेकिन वो वहाँ पे अध्ययन करना या किसी चीज़ पे रिसर्च करना या उस ब्लेम को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे उनका ध्यान नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो ब्लेम आता है वो इन्हीं लोगों की तरफ से आता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, और जो प्रयास होता है वो उन लोगों की ओर से होता है जिन पर ब्लेम लगाया जा रहा है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है और ये गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको कम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लोग जेंजीज हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग तो एकदम ही सर से पैदल दिखाई देते हैं मुझे, पर सारे लोग वैसे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सही दिशा नहीं मिली है। क्योंकि ये तो एक बात सच है कि जो भी फिजिक्स में, मैथ्स में, ऐसे विषयों में जो टॉप करते हैं वो जेंजीज ही होते हैं, ज़्यादातर तो वही लोग होते हैं। तो उन लोगों में अगर एक आग फूंक दी जाए, एक चिंगारी उन्हें मिल जाए, एक दिशा मिल जाए, तो उनकी दशा भी बदल जाएगी और देश की दशा भी बदल जाएगी। बहुत सही, आप क्या कहना चाहेंगे पुनीत? मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा, मैं मोहित जी की बात से सहमत हूँ,
कि इन्होंने जैसे रिसर्च की बात की, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी जो जनरेशन है, यूथ की जनरेशन, वो आज के समय में ये कड़वा सत्य है वास्तव में कि वो आज, और ये एजुकेशन भी हमारी ऐसी है कि वो उस ओर ले जाती है, वो चीज़ है नौकर। आज के टाइम में जो एजुकेशन हमें मिल रही है ना, वो हमें नौकर, मतलब वो नौकर पैदा कर रही है। और क्या कारण होता है कि जब वो नौकर बनता है ना, तो वो किसी के जब अंडर में काम करता है, एक होती है कि जब बंदा पावर में रहेगा। अब मैं छोटा सा यहाँ पे रिलेट करूँगा कि एक यूथ है वो नौकरी की तरफ भाग रहा है, एक यूथ है कि वो बिजनेस मेरे को अपना खड़ा करना है, जैसे मोहित जी एक अपनी खुद की आईटी कंपनी चलाते हैं। तो ये एक सेल्फ, इनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग लेवल का होगा। ये कल को 10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और क्या होगा कि वो अपने हिसाब से जब एक स्थिति में आएंगे, एक पावर में आएंगे, तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और एक नौकर है एग्जाम्पल के लिए कोई है, वो क्या करेगा, सामने वाले को ब्लेम करता रहेगा, यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या ये गवर्नमेंट में ये गड़बड़ियाँ हैं। ये नहीं है कि वो IAS क्रैक करे, IPS क्रैक करे वहाँ जाके, और इवन IAS IPS नहीं, सबसे बड़ी कमी यही है कि लोग IAS IPS अधिकारी की तरफ भाग रहे हैं। उनको राजनीति में भी दखल देनी चाहिए, क्योंकि जो पूरे देश का सिस्टम है उसका आधार ही वही है, पॉलिटिक्स। और जब तक उसमें पढ़े लिखे युवा हमारे जैसे लाइक माइंडेड लोग नहीं जाएंगे, तब तक देश में परिवर्तन संभव है ही नहीं, क्योंकि उस स्तर पर वो लोग बैठे हैं और जो युवा वर्ग है, जो एकेडमिक हर तरीके से परिपूर्ण है, वो वर्ग आज मतलब इनका दास बना हुआ है। एक IAS IPS भी उस अंगूठा छाप सांसद या विधायक का सामने सैल्यूट करते हैं। ये थोड़ा मतलब कड़वा वाक्य है, बट ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है इस इंडिया के सिस्टम की। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको, आप ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को सोसाइटी में, आजकल एक बहुत ही आसान सी चीज़ है, जैसे आजकल देखा जाता है ट्रोलिंग बहुत ही आसान है, ब्लेम गेम बहुत ही आसान हो गया है, तो ब्लेम करने से अच्छा है कि आप भी मोहित की तरह पढ़ाई करें, आप अपना कुछ रिसर्च करें, आपको जहाँ भी कमी दिखती है उस चीज़ के बारे में जितनी डीप नॉलेज ले सकते हैं डीप नॉलेज लीजिए, और उसके बाद आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश कीजिए सोसाइटी में। एक जाते जाते एक चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी मोहित, आने वाले समय में क्या ऐसा मिलेगा, क्योंकि आप बड़े खुराफाती लग रहे हैं, तो क्या खुराफाती, हाँ को खुराफाती होना चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या खुराफाती अब चीज़ होने वाली है, क्या एक न्यू आप जो है इनोवेट करेंगे, या फिर क्या करने वाले, किस दिशा में आप आगे बढ़ने वाले, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि, और रिसर्च रिलेटेड चीज़ें जो विशेष कर है उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती है। वैसे हमारे यहाँ पर तो ऐसा सिस्टम नहीं था, भारतीय शिक्षा पद्धति में तो जो भी ज्ञान है वो बांटने के लिए ही होता था, लेकिन आज के टाइम पर ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि चीज़ें पेटेंट करवानी होती है, इसलिए वो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। पर जैसा कि मैंने एक बताया, इसमें संस्कृत वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे ही मेरा रिसर्च पेपर पब्लिक हुआ, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए, फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि इसमें आपने जो जर्नल बताया वो तो मैथमेटिक्स का है, वो तो मैथ्स के प्रोफेसर है, उनको क्या पता कि यहाँ संस्कृत में क्या लिखा हुआ है। तो मेरा कहना है कि ऐसा नहीं है, उनको नहीं पता है। अगर मैं वहाँ पर ये बात लिख देता हूँ कि मेरा ये कंसेप्ट है, ये सही है, और ये मैंने कुरान से लिया है, और मैं कुरान की आयत कोट कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो छाप देंगे उठा के, या फिर फारसी में कुछ लिख के डाल देता हूँ। नहीं, वो लोग भी संस्कृत जानते हैं, और मैं कहूँगा हमारे जनजी से ज़्यादा संस्कृत जानते हैं और ज़्यादा स्टडी करते हैं। पर हाँ, फिर भी इस डाउट के लिए मैं इस रिसर्च पेपर का एक और संस्कृत वर्जन बना के, जिसमें जो संस्कृत वाले श्लोक्स हैं उन्हें एक संस्कृत के ही रिसर्च जर्नल में, जहाँ संस्कृत के प्रोफेसर चेक करते हैं, तो वहाँ पर भी चेक करवा लेंगे। उसके बाद में जो हमारे रेंटेड एथिस्ट हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। अगर आप कहें तो ये रेंटेड एथिस्ट क्या है, ये थोड़ा सा बता जरूर दीजिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट टर्म आया आपकी तरफ से। रेंटेड एथिस्ट मतलब जो जेंसीज हैं वो, सॉरी जेंसीज बहुत ज्यादा इसमें जिक्र हो चुका है उनका, तो डिस्क्लेमर भी डाल सकते हैं। कोई बात नहीं, ये आप अपने ग्रुप को ही जो है बता रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि ये मुझे तो बड़ी अजीब चीज़ लगती है जो इंस्टाग्राम पे चलती है, जेंजी जेंजी जेंजी, मतलब बहुत ज़्यादा खुद को ऐसी टर्मिनोलॉजी में डालना जिनका कोई सेंस। अभी तो आप जेंजी की बात कर, जेनेक्स भी आने वाली है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। पढ़िएगा ज़रूर, आपको मैंने एक टास्क दिया, जेनेक्स के बारे में पढ़ के आइएगा, ये आने वाले जो है जनरेशन के बारे में लोग कह रहे हैं। शौक है एथिस्ट बनने का, पता कुछ भी नहीं है थीस्ट क्या होता है, एथिस्ट क्या होता है, ये भी नहीं पता कि एथिस्ट शब्द का अर्थ क्या है, पर एथिस्ट बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसमें मैंने रेंटेड एथिस्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट और जो विद्वान लोग होते हैं वो भी एथिस्ट होते हैं, जो कि अपने अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ, देयर इज़ नो क्रिएटर। बहुत सारे साइंटिस्ट अध्ययन करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि देयर इज़ क्रिएटर। उन दोनों का ही सम्मान है क्योंकि वो अपने अपने ओपिनियन पे अध्ययन करके पहुंचे हैं, सही हो या गलत हो बाद की बात है।
लेकिन मॉल में घूमने वाले जेंजीज जो कि इधर से कपड़े खरीद रहे हैं उधर जाके आइसक्रीम खा रहे हैं, जिन्होंने मतलब अपने सिलेबस के अलावा कभी भी किताब नहीं उठाई है, उस व्यक्ति को ये बोलने का राइट ही नहीं है कि वो एथिस्ट है या थीस्ट है या एग्नोस्टिक है। उसे तो पता ही नहीं है कि रियलिटी है क्या। उसने न फिलोसॉफी पढ़ी है, न डीप साइंस पढ़ा है, न स्पेस साइंस पढ़ा है, न कभी ये जाना है कि थीज़म क्या है, एथिज़म क्या है, लेकिन एथिस्ट बोलना है अपने आप को, क्यों? कूल दिखाने के लिए। तो ये चीज़ मैं तो नहीं मानता हूँ कि साइंस है। अच्छा, उन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे हम एथिस्ट इसलिए हैं क्योंकि जो आस्तिक लोग होते हैं वो तार्किक नहीं होते हैं, वो अंधविश्वास मानते हैं। तो हम अंधविश्वास नहीं मानते हैं, हम तर्क से चलते हैं, हम जो है सत्य तक पहुँचना चाहते हैं, ट्रुथ तक पहुँचना चाहते हैं, इसलिए हम एथिस्ट हैं। और अगर आप उनसे बोलेंगे कि चलिए इस पर बात करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो बहसबाजी हमें पसंद नहीं है, बात हमें करनी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तार्किक व्यक्ति किसी से डिबेट ना करे? ये तो पाखंडी व्यक्ति कहेगा ना कि मुझे डिबेट नहीं करनी है, मैं तो मानता हूँ कि मेरा राम ऐसा है, मेरा कृष्ण ऐसा है, या मेरा अल्लाह ऐसा है, या फिर मेरा जीसस ऐसा है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। आपके अकॉर्डिंग पाखंडी को ऐसा कहना चाहिए, पर आपको 99% जो इंडियन एथिस्ट हैं या फिर नियर अबाउट 100% एथिस्ट ये बात कहते हुए मिलेंगे कि मुझे डिबेट नहीं करनी है, मुझे बात करने का शौक नहीं है, मुझे अपने काम धंधे से मतलब है। अरे तो भाई साहब, अगर काम धंधे से मतलब है तो आपने अपनी आइडेंटिटी एथिस्ट की तरह कैसे टैग में डाल दी? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक टाइप का अंधविश्वास ही है। अगर कोई इस वीडियो को देखने के बाद कोई एथिस्ट आपसे बात करना चाहे, आपके साथ डिबेट करना चाहे, वो लॉजिक्स भी दे, तो आप रेडी हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है विज्ञान दर्शन, उस पर मैं बहुत बार लाइव स्ट्रीम भी करता रहता हूँ। वहाँ पर अगर कभी डिस्कशन हो तो जुड़ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मैं तो कहूँ यही शो में ही आ जाइए, यहाँ पर डिबेट कर सकते हैं। जरूर। तो जितने भी एथिस्ट, क्योंकि आपके बारे में देखिए बहुत सारी बातें की गई कि आप इलॉजिकल हैं, आपके पास लॉजिक्स नहीं है, तो आइए जो रेंटेड एथिस्ट है, जिस टाइप के मैंने बताया, जो भाड़े के नास्तिक है, इन्होंने पूरा उसका डेफिनेशन दिया कि रेंटेड एथिस्ट क्या होता है। तो अगर आप भी इनकी किसी भी बात से सहमत नहीं है, ये एक हम धर्म संवाद में धर्म की चर्चा करते हैं, साइंस की चर्चा करते हैं, वेदों की चर्चा करते हैं, हम सारी चीज़ों की, और हम यहाँ पे ये ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई अपने विचार रख सकता है। और अगर आप मोहित की किसी भी बात से सहमत नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप आना चाहते हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपने प्रोफाइल को मैसेज कर जो है आप भेज सकते हैं, हमारी टीम जो है आप तक ज़रूर पहुँचेगी और आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो आपके लिए लोग तैयार हो रहे हैं। मैं तो यहाँ से बिल्कुल ओपन चैलेंज करना चाहूँगा मेरी टीम की ओर से कि न केवल मैंने यहाँ जो बातें कही है, बल्कि वेदों की किसी भी बात से अगर कोई असहमत हो तो वो यहाँ पर आ सकता है, चर्चा कर सकता है। अगर मेरा विषय नहीं होगा तो मेरी टीम है, उसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग विद्वान हैं, तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाऊँगा। एथिस्ट लोग भी या जो विपक्षी जो टीम है वो भी अपनी पूरी टीम को लेकर आ सकती है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हो, मानव विकासवाद हो, री इंकारनेशन हो, पुनर्जन्म हो, कर्मफल सिद्धांत हो, ईश्वर है या नहीं इस मुद्दे पर हो, हवन से पॉल्यूशन होता है या मिटता है इस मुद्दे पर हो, जितने भी मुद्दे आपके दिमाग में आ सकते हैं कि इसमें तो मैं एक आस्तिक को फंसा दूंगा, उसमें आप आ जाइए, कौन फंसता है कौन बचता है वो देखा जाएगा। ओपन चैलेंज, तो आइए अपनी प्रोफाइल मैसेज कीजिए, और बात करना चाहते हैं तो जरूर, क्योंकि ये होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, डिस्कशन बहुत जरूरी है। केवल अपनी अपनी ढोल बजाने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एक्चुअल में, अच्छा एक रैशनल शब्द भी है, एक रैशनल, आई एम रैशनल, वो भी जरूर बताइए। रैशनल, मैं रैशनल हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, रैशनल हूँ। तो रैशनल का हिंदी में अर्थ तार्किक ही होता है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट शब्द उसके निकाल दिए हैं। तो रैशनल का मतलब होता है जो डिस्कशन करने के लिए तैयार रहे, जो तार्किक हो। लेकिन रैशनल से ज़्यादा रास्कल और राशन वाले मुझे शब्द इसमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो लोग अपने आप को रैशनल बोलते हैं। तो अगर आप अपने आप को रैशनल बोलते हैं तो मुझे लगता है एक रैशनल को कूद कूद के आना चाहिए यहाँ पे बात करने के लिए। अंधविश्वासी बात करने से बचते हैं, रैशनल लोग बात करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बात करने से ही हमें पता चलेगा कि आपके ओपिनियन क्या है, मेरे ओपिनियन क्या है, और दोनों में क्या सही है। सत्य असत्य का निर्णय करने का जो अधिकार है वो जनता के पास है ही, लेकिन चर्चा करने का तो कम से कम हमारे पास होना चाहिए, होना चाहिए। और ऐसा होता है कि आजकल जो है ना, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो जाती हैं, वो क्लिप्स वायरल हो जाते हैं, और लोग एक गलत क्लिप देखा और सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं गायत्री मंत्र के बारे में। जैसे हमने भी महिलाओं की बात की, तो वहीं से सोशल मीडिया से ही, तो सही जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो जितने भी लोग, अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में डालिए, साथ ही साथ अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, हमारे शो में आपका वेलकम है। प्रोफाइल आप अपने इंस्टाग्राम पेज पर आप जो है आप भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम, हमारी इंस्टाग्राम पेज की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी ऑडियंस की तरफ से।
आप ऐसे ही अच्छा करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने सिर्फ एक अपने घर का, अपने पिता का, अपने राज्य का नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मोहित गौड इनका नाम है, आप ज़रूर इन तक पहुंचिए। और साथ ही साथ आपको भी बहुत, आप बहुत अच्छा काम करें, ऐसे ही गुरुकुल पद्धति को, हमारे सनातन को आगे बढ़ाइए और उसकी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लोगों को दीजिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक और चीज़, जैसा कि अभी हमने बोल तो दिया कि डिबेट की एक रिचुअल है, मोहित जाने से पहले आपको एक प्रॉमिस करके जाना होगा कि जितने भी सवाल आएंगे वो आपका, उसको आंसर देने के लिए आपको आना पड़ेगा। ये रिचुअल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा रिचुअल है, ये धर्म संवाद का। क्योंकि मैं एक्चुअल में अपने आप को समझता हूँ कि मैं रैशनल बनने में प्रयासरत हूँ, तो मैं रेडी हूँ। तो जितने भी लोग आप जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और आप डिबेट में आ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।